भारत में पांच विधानसभा चोणां 2022 लई वोटिंग पूरी होने तो बाद हुण सारिआं दी नज़र 10 मार्च के नतीजे वाले दिन है। इस दिन चोण नतीजे आउणे हन, पर इस तों पहलां बरेली विच इक वड्डा मामला सामने आया है। इत्थे इक कूड़ा ढाउण वाली गड्डी विचों वड्डी मात्रा विच बैलट पेपर बरामद होए ने। कूड़े दे ढेर विचों तीन वड्डे बक्सियां विच बैलट पेपर मिले ने। इस तों बाद समाजवादी पार्टी दे आगूआं ते वर्करां ने हंगामा कर दिता। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम अते एसएसपी समेत वड्डी गिनती विच पुलिस मौके ते पुजी। किसी तरह हंगामा शांत करवाया गया। वड्डी मात्रा विच बैलट पेपर मिलने दीआं शिकायतां चोण कमिशन नूं कीतीआं गईआं हन। जानकारी मुताबक बरेली च गिनती वाली थां ते बाहर कूड़े दे ढेर च बैलट पेपर नाल भरे तीन बक्से मिलण कारण हंगामा हो गया। सैकड़ों की गिनती च मौके ते पुजे समाजवादी पार्टी दे आगूआं ने जम के हंगामा कीता। बहेड़ी नगरपालिका दे कूड़ा करकट विच परसा खेड़ा स्थित गोदाम नेड़े बैल्ट पेपरां नाल भरियां तीन पेटियां बरामद होईयां। सारे ईवीएम अते बैल्ट पेपर इस थां ते रखे गए हन। इत्थे 10 मार्च नूं वोटां दी गिनती होनी है। दस्या जा रहा है कि बारी विधानसभा तो कूड़ा चक्कण वाली गड्डी आई सी। जिवें ही समाजवादी पार्टी दे आगूआं ने गड्डी दी जांच कीती तां उस विच बैल्ट पेपरां नाल भरे तीन बक्से मिले। इस तों बाद हंगामा शुरू हो गया। हंगामे तो बाद डीएम ने कहा कि यह आरओ की गलती सी, उसने कूड़ा करकट वे चोण संबंधी समगरी भेजी। इस मामले कुछ लोगों ने इतराज़ भी किया है।